हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए। एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस द्वारा हर साल जुलाई महीने के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को मनाया जाता है, और इस साल इस दिन को 4 जुलाई को मनाया गया है। अच्छा, इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है सहकारी समितियों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए सहकारी आंदोलन को उजागर करना। अच्छा, 2020 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का थीम क्या है? तो थीम है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। अच्छा, अब ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी चलिए जान लेते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जूनियर एथलीटों के लिए टारगेट ओपीएम पोडियम स्कीम को लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस टॉप यानी टारगेट ओपीएम पोडियम स्कीम को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी है। इस योजना के तहत जूनियर एथलीटों को 2024 और 2028 ओलंपिक के लिए तैयार किया जाएगा। अच्छा, 2024 में विंटर यूथ ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2024 में विंटर यूथ ओलंपिक साउथ कोरिया के गांगोन में आयोजित किया जाएगा, और 2024 में समर ओलंपिक फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जाएगा, और 2028 में समर ओलंपिक यूएसए के लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में धन्वंतरी रथ को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में अहमदाबाद में इस धन्वंतरी रथ को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए है। कोविड-19 महामारी के बीच नॉन कोविड यानी मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग आदि रोगियों को आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए, यानी जो इस समय अस्पताल नहीं जा सकते, उनके लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस धन्वंतरी रथ को लॉन्च किया है, जो लोगों की घर की चौखट पर जाके उन आवश्यक सेवाओं को प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया है? तो हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी है। उपयोगकर्ता की गोपनीयता को ध्यान में रखने के उद्देश्य से इस एलिमेंट्स ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी है। केयर रेटिंग्स ने कोविड-19 महामारी से हुए लॉकडाउन के कारण भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2021 में 6.4% रहने का अनुमान लगाया है, और हाल ही में फिच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी दर को वित्त वर्ष 2022 में 8% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल एसपी कोचर को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए। ये है सीओएआई यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नए डायरेक्टर जनरल एसपी कोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार से फ्रेया ठकराल को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी है। फ्रेया ठकराल को कोविड-19 महामारी के दौरान समाज में सकारात्मक योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु प्रसाद कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विष्णु प्रसाद कुमार एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी है। ये है वरिष्ठ पत्रकार विष्णु प्रसाद कुमार, और हाल ही में इनका निधन हो गया है।
इन्होंने 70 के दशक में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और नक्सली आंदोलन को कवर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीन कैस्टेक्स किस देश की नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है? तो अभी फ्रांस की नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है जीन कैस्टेक्स। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए है। हाल ही में इल्यूड फिलिप ने फ्रांस की प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रन ने अभी जीन कैस्टेक्स को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। अच्छा, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रेरक दौड़ सम्मान नामक एक नई श्रेणी की पुरस्कार की घोषणा की है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस प्रेरक दौड़ सम्मान नामक एक नई श्रेणी की पुरस्कार की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी है। शहरों के बीच स्वच्छता प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए और उसे दोबारा इस्तेमाल करने के कार्यक्रम पर जोर देने के लिए इस नई श्रेणी की पुरस्कार की घोषणा की गई है और ये पुरस्कार स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बलराम योजना को लॉन्च किया है? तो ये बलराम योजना को ओडिशा राज्य ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए है। ओडिशा राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है और इसके तहत 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण दिया जाएगा। अच्छा, अब ओडिशा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी चलिए जान लेते हैं। जैसे ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, ओडिशा की चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, ओडिशा की गवर्नर है गणेशी लाल, ओडिशा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस मोहम्मद रफीक और ओडिशा राज्य का राज्यसभा में सीट है 10 और लोकसभा में सीट है 21। और हाल ही में ओडिशा ने वंदे उत्कल जननी इस सॉन्ग को राज्य एंथम घोषित किया है और इस साल ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है। और ओडिशा राज्य में कोविड केयर होम्स स्थापित किया गया है और इसमें 10 से 20 कोविड पेशेंट को रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिंडन ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित है? तो लिंडन चीन की एक फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी है। ये है लिंडन और ये 2 बार ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं और इन्होंने अभी बैडमिंटन खेल से रिटायरमेंट होने की घोषणा की है। अब लिंडन चाइना से संबंधित है, तो चलिए चाइना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे चाइना की कैपिटल है बीजिंग और बीजिंग में AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक की हेडक्वार्टर है। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना की प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और 2022 में चाइना की बीजिंग में 24th विंटर ओलंपिक गेम्स आयोजित किया जाएगा और 2022 में एशियन गेम्स भी चाइना की हांगझाओ में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 को लॉन्च किया है? तो हाल ही में इस ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 को हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी, यानी ए और बी दोनों। इस ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन भारत को दवा की खोज प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नए मॉडल की स्थापना में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI की चेयरमैन सुखवीर सिंह साधु की कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो NHAI की चेयरमैन सुखवीर सिंह साधु की कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी है। ये है NHAI की चेयरमैन सुखवीर सिंह साधु। अच्छा, NHAI के बारे में चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI स्थापित हुआ था 1988 में, इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी प्रेजेंट चेयरमैन है सुखवीर सिंह साधु। और NHAI पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का पहला निर्माण क्षेत्र बना है। और हाल ही में NHAI ने भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का गठन किया है। तो दोस्तों, ये था 5 जुलाई से 14 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।